अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी जनरल स्टोर या कॉस्मेटिक स्टोर के लिए सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है जी। अब हम यहाँ पर इसमें मल्टीपल यूज़र से लॉगिन कर सकते हैं, हर यूज़र को परमिशन अलाउ कर सकते हैं। टाइम बचाते हैं, हम यूज़र से लॉगिन करते हैं जी एडमिन से और पासवर्ड हम देते हैं जिसका बाय डिफ़ॉल्ट 1 है जी। सबसे पहले हम देखते हैं जी हम यहाँ पर स्टॉक हमारा किस तरह ऐड होता है और हमारे पास किस तरह उसकी डिटेल वगैरह हम ऐड करते हैं। स्टॉक काफ़ी हमने ऐड किया है तो हम यहाँ से जस्ट चूज़ करते हैं जी हेड एंड शोल्डर शैम्पू यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं जी 185 ml। देखें यहाँ पे आप कैटेगरी देते हैं कैटेगरी में कि ये क्या चीज़ है। देखें ये कंज्यूमर है, पर्सनल केयर है, ब्यूटी है, चाइल्ड केयर है या जो भी चीज़ है, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास बार कोड होता है तो उसको हम स्कैन कर लेते हैं, जिसको हम इसकी मदद से हम सेल वगैरह कर सकते हैं स्कैन करके। तो ये लाजमी नहीं होता बट देना चाहिए, दे सकते हैं आप। अगर बारकोड नहीं है आइटम पर ऑटो जनरेट पे क्लिक करें जी, सिस्टम आपके लिए बारकोड बना देगा। उसके बाद ये आइटम का नाम आ जाएगा जी, हेड एंड शोल्डर शैम्पू है जी 185 ml। इसकी जो है आपके पास मैन्युफैक्चर आ जाएगा, इसकी लोकेशन लिख सकते हैं जी, रैक क्या है, इसके कहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद एक पैक में कितने पीस होते हैं जी, 1 होता है। उसके बाद इसकी TP क्या है, ट्रेड प्राइस किस कीमत पर आपको आया 180 में, उसकी सेल ये है, ठीक है जी। इसको इस तरह आप चीज़ आइटम को सेव करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी इसको सेल किस तरह हम करेंगे। सेल के लिए फाइल में जाएंगे, सेल यहाँ पे सेल विंडो होगी। कस्टमर चूज़ कर सकते हैं जी आप, कस्टमर का खाता बना सकते हैं, उसका बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कस्टमर है यहाँ पे हैदर, तो कस्टमर देखें प्रीवियस बैलेंस, मेरे पास इतना बैलेंस उसने मुझे अभी अदा करना है। उसका फ़ोन नंबर एड्रेस लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इस कस्टमर को सेल कर रहा हूँ हेड एंड शोल्डर शैम्पू सेल कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद हम इसको जी मैंने 12 पीस सेल की है। उसके बाद जी मैं आपके पास इसको सैमसोल जो है सेल कर रहा हूँ जी, मैंने 2 पीस सेल की है। मैं चाहता हूँ कि मैं हेड एंड शोल्डर में मैं इनको 10% डिस्काउंट दे दूँ, मैंने 10% लिखा है यहाँ पर, डिस्काउंट दे दिया मैंने, ठीक है जी। और अगर मैं बारकोड स्कैन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे स्कैन भी कर सकता हूँ, यहाँ से आइटम को किसी भी आइटम को स्कैन कर सकता हूँ, वो मेरे पास इस तरह आ जाएगी। अगर किसी आइटम को रिमूव करना है जी, मैं कंट्रोल D प्रेस करूँगा और ये चीज़ रिमूव हो जाएगी मेरे सिस्टम से, सॉरी सेल से। उसके बाद ये हमने पेमेंट एंट्री करी है जी, कस्टमर ने कितने पैसे पे किए, F2 प्रेस करेंगे जी। कस्टमर ने लेट्स सपोज में 3000 रुपये पे किए तो मैंने कस्टमर को हमें बकाया देना है 3000 रुपये। कंट्रोल S प्रेस करेंगे जी, कंट्रोल और सेव करेंगे और जो हमारी जो रिसिप्ट वो PDF फॉर्म में हमारे पास सेव हो जाएगी। हमारे पास प्रिंटर अटैच नहीं है इसलिए हमने इसको PDF फॉर्म में सेव कर लेते हैं और आपको हमें चेक करा देते हैं। जैसे सेव होगा तो आपके पास SMS आएगा जी सेव हो चुका है। उसके बाद अगर हम इसको आपको चेक करवाएं जी, इसकी पर्ची किस तरह निकलेगी, रिसिप्ट किस तरह होगी, देखें जी आपकी जो शॉप का नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, सेल नंबर आ गया, सेल टाइप आ गया जी, डेट आ गई, टाइम आ गया, किसने सेल किया जी एडमिन ने और किसको सेल किया जी हैदर को, ये फ़ोन नंबर आ गया उनका। और ये आइटम का नाम क्या जी, शैम्पू है जी, हमने 230 रुपये के रेट लगाया जी, 12 सेल किए, 10% डिस्काउंट दिया, ये रेट बन गया। फिर सैमसोल हेयर कलर हमने सेल किया जी, ये रेट बन गया। उसके बाद जी डिस्काउंट इतना बना जी 276 रुपये और कस्टमर ने 3000 रुपये पे किए, कस्टमर का बैलेंस इतना है और कस्टमर का सबका बैलेंस इतना है जी, उन्होंने जो अदा करने हैं प्रीवियस बैलेंस 3625 रुपये जो उन्होंने अदा करने हैं और इस इनवॉइस का कोई बैलेंस नहीं है, इस इनवॉइस के उन्होंने अदा कर दिए थे, ठीक है जी। इस तरह आपकी जो पर्ची यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हम देखें कि हमने परचेज किस तरह ऐड करनी है जी। फाइल में जाएंगे, यहाँ परचेज जाएंगे, ऐड परचेज, ये डेमो शॉर्ट सा डेमो है, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो कस्टमर देखते नहीं है। तो देखिए मैंने सप्लायर चूज़ करूँगा, मुझे कहाँ से माल आ रहा है जी, मैंने SM एंटरप्राइज चूज़ किया, मैंने पास लेट्स सपोज हेड एंड शोल्डर शैम्पू आ रहा है जी, मेरे पास जो 180 ml आया जी, 10 पीस आया जी, मेरे बोनस मेरे पास एक है लेट्स सपोज, और मेरे पास डिस्काउंट है मुझे 1% मिला है। उसके बाद टैक्स वगैरह लिख सकते हैं, एक्सपायरी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज बाकी मुझे मिला है जी सनसिल्क जी, मैंने कंडीशनल मंगवाए 10 मंगवाए और इसको मैंने कंट्रोल S प्रेस करूँगा, जैसे मैंने सेव कर दिया, परचेज मेरी सेव हो चुकी है। उसके बाद काफ़ी रिपोर्ट्स हैं इसमें, आप देखें आप स्टॉक, उसके बाद ये देखें रिपोर्ट्स, देखें आपके पास स्टॉक रिपोर्ट काफ़ी है इसके पास, इसके अंदर एक्सपायरी रिपोर्ट है, लो लेवल रिपोर्ट है जी, इसके बाद नियर एक्सपायरी रिपोर्ट है, अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट है, लेजर रिपोर्ट है जी, काफ़ी रिपोर्ट्स हैं इसमें, एडजस्टमेंट रिपोर्ट्स हैं, सेल के सेल रिपोर्ट है, सेल रिटर्न रिपोर्ट है, आपको सेल रिटर्न कर सकते हैं, देखें इसके सेल हिस्ट्री देख सकते हैं, कोटेशन बना सकते हैं, परचेज ऐड कर सकते हैं, परचेज रिटर्न कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर बना सकते हैं, कस्टमर ऐड कर सकते हैं, सप्लायर ऐड कर सकते हैं, यूज़र बना सकते हैं, यूज़र को मल्टीपल रोल असाइन कर सकते हैं, मींस कि किस यूज़र को क्या रोल असाइन करना है, क्या परमिशन देनी है, वो भी आप ये देखें, राइट्स असाइन कर सकते हैं।
रिपोर्ट अगर हम देखें, स्टॉक रिपोर्ट देखना चाहेंगे हमारे पास कितना जो है स्टॉक अवेलेबल है। स्टॉक डिटेल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और हमारे पास जनरल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, हमें एक रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास मैन्युफैक्चर वाइज आ जाएगी। ये शैम्पू मेरे पास कितने अवेलेबल हैं देखें जी, मेरे पास स्टॉक में जी 8 अवेलेबल हैं और मेरे पास जो कंडीशनर हैं सनसिल्क के वो मेरे पास अवेलेबल हैं जी, यहाँ पर ये बता रहा है 10 अवेलेबल है ठीक है जी। उसके बाद कितना मेरे पास कितने रुपये का स्टॉक अवेलेबल है यहाँ पर शो करेगा और इसकी सेल वैल्यू क्या है, परचेज वैल्यू क्या है और इसका कितना मुनाफा मुझे इससे हो सकता है। अगर हम सेल रिपोर्ट पे क्लिक देखें तो सेल रिपोर्ट पे हम यहाँ क्लिक करते हैं, आज की सेल निकाल सकते हैं। ये देखें मुकम्मल जो भी मैंने सेल किया वो मेरे पास सेल शो कर रहा है, मेरे पास कितना सेल हुई, कितना उसके मुनाफा हुआ, प्रॉफिट मुझे बता रहा है कि किस कस्टमर को सेल किया, किसने सेल किया, किस टाइम सेल किया। मुकम्मल आपके पास A to Z कंट्रोल होगा आपके पास आपकी सॉफ्टवेयर पर किसने क्या चीज़ सेल की। और उसके बाद आप जो है स्टॉक जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक ऑडिट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं और सॉरी किसी प्रोडक्ट पर अगर बारकोड लेबल नहीं है उसको लेबल अपने कस्टम बनाकर उस पर प्रिंट आउट कर सकते हैं, उसको आइटम पर लगा भी सकते हैं, काफ़ी इसमें ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो इससे फ्लू ऑफलाइन है जी, नेट के बगैर चलेगा और वन टाइम पेमेंट होगी, लाइफ टाइम लाइसेंस मिलेगा आपको, कोई माना सालाना फीस नहीं होगी, फीस सपोर्ट होगी लाइफ टाइम, कभी भी आप रब्ता कर सकते हैं, नंबर शो हो रहा होगा आपको और आपको जो नंबर तो आपको जो है इसकी इंशाल्लाह ताला रिप्लाई दिया जाएगा और आपको इसकी मैट्रिक पास है या क्या नाम है पांचवी पास है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं।